टिप्पणी दें आप उसके बारे में, मुझे बताइए 2014 में, जो 2014 में नीतीश कुमार का बयान था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अब उस बैंक डिबेट का क्या हुआ सर? देखिए एक बात तो बहुत क्लियर समझिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का अरब कोई विचारधारा पर सत्ता नहीं टिकी हुई है इस कंट्री की, इसको ऐसे नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं है। आप जब चुनाव अभी हो रहे थे और चिराग पासवान जी हनुमान बन करके जब जो चौरसिया जी अभी बोल रहे हैं वो चुनाव लड़े थे बीजेपी से हट के चिराग पासवान जी के पार्टी से, देखिए ऐसा नहीं है, लगातार बीजेपी के लगभग बड़े लोग चिराग पासवान जहां टिकट नहीं मिली चिराग जी के साथ लड़ गए, बीजेपी के सीट को खाली कर दिया और लगभग जो बीजेपी का वोटर था जिसको आप स्वर्ण वोटर कहते हैं, स्वर्ण वोटर लगभग नीतीश कुमार जी को जदयू को वोट नहीं दिया, आप उठा के देख लें वहां पर स्वर्ण वोटर चिराग पासवान जी के साथ चला गया बीजेपी की चुप्पी के कारण, शुरुआत वहां से भी फिर कई इशू पर कई गंभीर विषय पर चिराग पासवान जी कभी नजदीक आए कभी दूर हुए, फिर आरसीपी जी का प्रकरण है, देखिए बात बहुत क्लियर है, सिवाय आप ये मत कहिए कि यहाँ नड्डा जी आए और उन्होंने ऐसे संदर्भ में बयान दे दिया या पहले से चीज थी, हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनने का या सीएम बनने का मन में ललसा रहती है, ऐसा नहीं है पहले भी, हाँ लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जब लालू तो यादव जी मुझे बताइए नीतीश कुमार अगर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो पप्पू यादव जी को क्या सीएम बनेगा कम से कम सपना नहीं देखना चाहिए क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, सपना तो पब्लिक दिखाती है और परिस्थितियां हीरो बनाती है और घटनाक्रम हीरो बनाता है और कब कौन हीरो होंगे जीरो होंगे। अब मुझे बताइए सर, सड़कों पर संघर्ष आप करते हैं, अपने यहाँ लोगों को बुला करके पब्लिक दरबार बना करके उनकी निजी सहायता आप करते हैं चाहे किसी प्रकार की वित्तीय तौर पर। मैं बता रहा हूँ एक सेकंड के लिए, मेरा एक बात आप समझिए, नीतीश कुमार जी जब लालू यादव जी अगले गठबंधन में जब लालू यादव जी के साथ बीजेपी को छोड़ के आए थे तब वो नीतीश कुमार जी नंबर वन पीएम कैंडिडेट के लगभग विपक्ष की भूमिका में कंट्री में उस वक्त इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत नंबर वन की थी, इनकी क्रेडिबिलिटी पर आज शुरुआत कब से हुई चाहे जिस कारण से, मैं मानता हूं कि नीतीश जी आरजेडी का जो कुछ कल्चर है कुछ चीजें हैं 2013-15-17 में जो चीजें हुई उसमें नीतीश जी का स्वभाव। आपके पास में उससे पहले छोटा सा कमेंट अफजल अब्बास से मिलना चाहूंगा, अब्बास साहब मुझे बताइए जरा बाकी एक सेकंड एक सेकंड छोटा सा कमेंट, वो गाड़ी में वैसे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो सिग्नल उनके वीक लगातार हो रहे हैं, अफजल अब्बास साहब मुझे बताइए कि क्रेडिबिलिटी को लेकर के नीतीश कुमार के लगातार सवाल उठा रहे हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत कमजोर हो गई है, जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर किस मुंह से जाएंगे जनता के पास कि हाँ भाई मुझे बनाइए सीएम मुझे बनाइए पीएम? आप ये बताइए ये चर्चा हो रहा है यही क्रेडिबिलिटी है? हाँ हम चर्चा कर ही रहे हैं इसीलिए हम तो अति महत्वाकांक्षा कहकर भी चर्चा कर सकते हैं सर, आप चर्चा अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो ये चर्चा ही नहीं होता। हाँ। ये प्रूफ करता है कि उनका जनाधार है लोकप्रिय नेता है, इससे इनकार नहीं कर सकते, टीवी पे हम डिबेट कर अलग बात है अलग अलग पहलुओं पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी नहीं है खत्म हो रही है, ये वक्त के भविष्य के घर में छिपा हुआ समय आ गया तो मालूम हो जाएगा जी। अब जरा बात साहब छोटी सी बात मुझे बताइए, हम कौन सी क्रेडिबिलिटी की बात करें, 2014 के उस बयान की क्रेडिबिलिटी की बात करें जब उन्होंने कहा था कि भाई मिट्टी में मिल जाऊंगा बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, या उसके बाद जब आरजेडी से अलग हुए उन्होंने कहा कि भाई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है मेरी अंतरात्मा की आवाज है इसलिए मैंने गठबंधन तोड़ दिया, मैं उस क्रेडिबिलिटी की बात करूं या आज जो कह रहे हैं मैं उस क्रेडिबिलिटी की बात करूं? मैं एक थोड़ी सी बात, परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियां कभी कभी आदमी को विवश कर देती है, आज जो परिस्थिति जो विवाह हमको मजबूर किया गया इसलिए हमने छोड़ा, आप ठीक है पप्पू यादव जी ने कहा वरिष्ठ पत्रकार ने कहा आप पार्टी के पार्टी का वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय तो यानी सर दो साल के बाद भी परिस्थिति बदल सकती है इस बात की संभावना से इनकार नहीं है, तो ये आप तो चैलेंज कर रहे हैं ना, आप तो चैलेंज कर रहे हैं कि छोटी पार्टी को खत्म कर देंगे, मैं कह रहा हूँ सर यानी दो साल बाद भी परिस्थिति बदल सकती है इस बात की संभावना से इनकार नहीं है। असल में देखिए एक सेकंड, ये शिवसेना नहीं है ये जनता दल यूनाइटेड है और इसके नेता है नीतीश कुमार, ये समझना चाहिए था इन लोगों को। मैं बिल्कुल ठीक बात है सर, जेडीयू है नीतीश कुमार है सब जानते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सर आपने कहा कि परिस्थितियों ने ऐसे विवश किया दो साल बाद ही परिस्थिति बदल सकती है ना, इनकार तो नहीं है इस बात से? नहीं, आप तो समाज देखिए समाजवादी विचारधारा के लोग एकजुट हुए हैं, हम समझते हैं कि ये, हम तो सर दो साल पहले जो पोस्टर लगा था कि नीतीश सबके हैं उस पोस्टर को नीतीश कुमार के हाथों चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं,
कि वो हर पार्टी में जाकर के सबके बन जा रहे हैं। सुनिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं लौटूंगा।